हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा सिन्हा ऑन मेघा आर्ट अमोर। इन दिस सीरीज़ आप सीखोगे कि आप एनिमल एनाटॉमी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इस सीरीज़ के आपको बताया था कि आप बर्ड्स के हेड एंड उनके बीक कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप बर्ड्स के फीट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सारे वीडियोज़ में मैंने इससे पहले वाले सीरीज़ में हाउ टू लर्न ड्राॅइंग में आपको बताया था, उन्हीं की हेल्प से हम ड्रॉ करना सीखेंगे फीट्स, जिसमें स्पेशली हमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल एंड कर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, अगर आप करते होगे तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। पहले वाले में भी मैंने स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बनाया, नेक्स्ट में मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एंड उसके मैं फीट्स बनाऊंगी। ट्रायंगुलर जनरली वो बर्ड्स के होते हैं जो पानी में रहते हैं, एंड वैसे फीट्स को हम वेब्ड फीट्स बोलते हैं, जिससे स्विमिंग में उन्हें हेल्प होती है। ये इसमें मैंने छोटे छोटे कर्व्स दे के, छोटे छोटे सर्कल्स के हेल्प से फीट्स को ड्रॉ किया है, सारे फिंगर्स को, एंड उनके बीच में जो एक थिन लेयर स्किन की रहती है उसे बस मैंने कुछ स्ट्रेट लाइन्स एंड एक कर्व सरफेस के हेल्प से ड्रॉ कर दिया है। अभी जितने भी सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाले हैं सब रॉ फॉर्म में होने वाले हैं। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ किसी में, बस आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस ट्यूटोरियल्स देते जाऊँगी कि आप कैसे इजीली ड्रॉ करना सीख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हरी अप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे मैं सीरीज़ लाते रहूँगी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स यू हैव जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड हो। आपको एक चीज़ समझना होगा कि ओवरनाइट आप कभी भी किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं ला सकते हो अपनी। आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने स्किल्स को इंक्रीज करनी होगी, एंड आपको रूटीन बना करके आपके डेली लाइफ में आपको हाफ एन आवर तो एटलीस्ट निकालना होगा बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप कुछ बड़ी इमेज या बड़ी पेंटिंग को ड्रॉ कर रहे हो देन दैट्स गुड, उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, उसे बार बार देखना है, आपको सुधारना है, एंड पेंटिंग एंड कलरिंग आप जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हो। बट जब आप ड्राइंग सीख रहे हो तो आपको बेसिक मटेरियल्स चाहिए, पेपर चाहिए, जिसमें हाउ टू लर्न ड्राइंग के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए, एंड मैंने बोला था आपको कि आप 70 GSM वाला जेरोक्स पेपर का पूरा बंडल ले लीजिएगा, एंड उसका रेट भी मैंने आपको बताया था 230-250 के रेंज में वो आपको पूरा बंडल 500 पेजेस वाला मिल जाएगा। बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत बहुत सारी, आपको डेली में एटलीस्ट 5-10 पेजेस लगेंगे। डिफरेंट एंगल्स आपको प्रैक्टिस करना होगा, शेप्स एंड फिगर्स एज वेल। इसके लिए आपको बहुत सारा पेपर एंड पेंसिल शार्पनर एंड इरेजर सिंपल सा चाहिए होगा। देखिए इसमें मैं आप देख सकते हो कि कैसे मैं बेसिक शेप्स का यूज़ करके छोटे छोटे डिटेलिंग करके ऐसे तो मैं 2B यूज़ कर रही हूँ, अप्सरा की ये पेंसिल है। इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज वेल। आपको लगेगा कि ये सब तो आपको पहले से पता था, बेसिक ड्राइंग, बेसिक एंगल्स कैसे ड्रॉ करके किसी फिगर को शेप एंड साइज देते हैं, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इस वीडियो को आप देखिए एंड आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, एंड जब तक अगर आप अपनी ड्राइंग शीट में इसे कॉपी नहीं करोगे आपको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि दिस इज़ सो ईजी। जब आप प्रैक्टिस करो इसे एज ए लाइफ टाइम पे है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम पे, तो आप साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हो, एंड ड्रॉ करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटोज शेयर भी कर सकते हो, मैं अपनी स्टोरीज भी लगाऊंगी, एंड मैं पर्सनली आपको गाइड भी कर पाऊंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड आपके प्रोग्रेस भी मैं देखते रहूँगी। आप जो भी प्रैक्टिस करो उन सारे पेजेस को एक जगह संभाल के रखा करो,
आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स जब आप बहुत अच्छी पेंटिंग करने लगोगे या ड्राइंग स्किल्स आपकी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी, तो आप ये सारे फ़ोटोज़ को देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि द जर्नी वॉज सो लॉन्ग एंड आपने कहाँ से शुरू किया था एंड आप कहाँ तक पहुँच गए हो। तो दैट्स रियली वेरी गुड फीलिंग जो आपको उस टाइम आएगी। सो ये सारे चीज़ों को आप बहुत संभाल कर रखिएगा एंड बेसिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं कलर सीरीज़ भी लाऊंगी जो आगे वाली सीरीज़ में कुछ दिन बाद आपको मिलेंगी। तो बेसिक एंगल्स में आप देखो कि मैंने कैसे किया। अब ये बर्ड जो है वो मैं बना रही हूँ कि वो एक स्टैम्प पे बैठी हुई है एंड वो छोटे से एक टहनी को अपने पॉज से पकड़ी हुई है, तो वो कैसे बेंड होता है, नेल्स कैसे होते हैं, उसमें रिंकल्स कैसे बनेंगे, तो सब ये सबको आप ध्यान से देखो। अभी तक के स्ट्रक्चर्स अगर आपने नोटिस किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि सबके नेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो 100% सेम है एंड जितने भी आप अलग अलग एंगल्स में बना करके फीट्स की प्रैक्टिस करोगे, आप जब मेन फिगर बनाओगे एक बर्ड की तो वो आपको इजी पड़ेगा। सो आपको अलग अलग पहले उसके बॉडी पार्ट्स को प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे हेड मैंने पहले प्रैक्टिस करवाया आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हो, अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने इसमें इससे पहले वाले में फ्रंट एंगल से दिखाया कि कैसा दिखेगा अगर एक बर्ड का फीट फ्रंट एंगल से देखे तो। सो अगर आप रियली सीरियस हो कि आपको आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ना है, फैशन डिज़ाइनिंग हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कोई भी आर्ट का फील्ड हो जहाँ आपको अपने करियर स्टैब्लिश करना है, तो आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दिस अगर आप 7-8 में हो या 12th स्टैंडर्ड के नीचे के क्लासेस में हो, तो आपको ये सब की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी होगी, बिकॉज आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के ये सब नहीं सिखाया जाएगा कि आपको बर्ड के हेड ड्रॉ करके बताओ कर्व सरफेस आ रहा है कि नहीं तुम्हें बनाने। कुछ आर्ट के टर्म्स बोले जाएंगे आपको अच्छे जगह पे, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब पर भी मैं आगे में वीडियोस बनाने वाली हूँ। अभी तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि जो बिगनर्स होते हैं, एक्सट्रीम बिगनर्स, वो कैसे अपनी आर्ट वर्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैं लाइन्स एंड एंगल्स की हेल्प से ही कॉम्प्लेक्स फिगर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करके आपको दिखा रही हूँ, तो ये सब के साथ आप कंटिन्यू स्टिक होके रहिए। आप मेरे आर्ट चैनल को देख रहे हो या किसी भी आर्ट चैनल से आप देख करके सीख रहे हो यूट्यूब पे, आपको बस ये देखना है कि आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर और कंटिन्यूसली आपको वर्क करना है डेली बेसिस। किसी को नहीं दिखाना है आपको जो डेली स्केचेस आप करते हो। अगर आपकी कुछ अच्छी पेंटिंग बनती है या ड्राइंग बनती है तब आप उसे पोस्ट करो, अदरवाइज जो आपकी प्रैक्टिसिंग जो पेपर्स रहते हैं वो आप अच्छे से प्रिजर्व करके रखो, वो किसी को शो नहीं करना है। बिहाइंड द सीन्स का जो स्ट्रगल होता है ना, वो मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना स्ट्रगल किया है आपने सीन के पीछे अपने घरों में, उसके बाद जब आप फाइनल बनाओगे तब तो लोग देखेंगे ही, बट ये ज़रूरी है कि आप अच्छी ग्रिप रखो अपने स्किल पे। We'll be right back.
ऐसे हम जनरली जब भी बर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो हम उसके छोटे छोटे फीट्स पर ध्यान नहीं देते, बट अगर हमें डिटेलिंग में किसी बर्ड की स्केचिंग करनी है तो हमें उसके एक एक एंगल्स पे ध्यान देना होगा, उसके कर्व्स पे एज वेल स्किन के टेक्सचर पे। तो आपको इंडिविजुअली भी बहुत सारे फीट्स की प्रैक्टिस करनी होगी। फ्लाइंग पोजीशन में बर्ड्स के फीट्स पीछे की ओर मुड़े हुए रहते होते हैं, तो वो कौन सा एंगल बनता है? जब वो पेड़ पे बैठते हैं तो वो स्टेम पकड़ते हैं, ब्रांचेस पकड़ते हैं, तो वो कौन सा एंगल बनता है? तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहनी है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो देन इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू से दैट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। आप शेयर करो इसे विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कोई भी छोटे बच्चे जिन्हें इंटरेस्ट हो ये सीखने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।